हेलो एवरीवन, तो आज बात करेंगे लाइट चैप्टर में स्फेरिकल मिरर से बनने वाले रे डायग्राम्स की। तो स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर से बनने वाले रे डायग्राम्स की। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, तो जो इसमें सबसे पहला केस है वो है एट इंफिनिटी, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो उसके लिए किस टाइप का रे डायग्राम बनता है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो अंदर की डायरेक्शन में कर्व्ड होगी। ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, जिसको हमने इन्फिनिटी पे रखा है, यानी बहुत दूर रखा हुआ है इसको। तो जहां पे इस ऑब्जेक्ट को रखा है वहां से रे ऑफ लाइट इसके थ्रू पास कर रही होंगी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी रे ऑफ लाइट इसके थ्रू पास कर रही होंगी, लेकिन हम सिर्फ दो रे ऑफ लाइट से इसको दिखाएंगे ताकि डायग्राम बहुत सिंपल रहे, वरना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ए के थ्रू हमने एक रे ऑफ लाइट पास करते हुए दिखाई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर रही है, और हमें ये पता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर रही होती है तो वो फोकस से पास करती है। सिमिलरली हमने बी पॉइंट से भी एक रे ऑफ लाइट पास करते हुए दिखाई। अब क्योंकि ये रे ऑफ लाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर रही है तो ये भी फोकस से पास करेगी। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, अब क्योंकि जो रे ऑफ लाइट ए और बी से पास कर रही थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, तो इसलिए ये जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, और जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, यानी जिस डायरेक्शन में ये ए बी रखा हुआ है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसकी इमेज बनेगी, यानी वो उल्टी बनेगी। ठीक, तो इस केस में जो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी वो इन्फिनिटी पे थी, एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। पोजिशन ऑफ इमेज, जो इमेज बनी वो कहाँ बन रही है, फोकस पे, तो जो पोजिशन ऑफ इमेज है वो है एट फोकस एफ। साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज आपको दिख रहा है बहुत ही छोटा पॉइंटेड साइज बन रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रखा हुआ था और यहाँ पे जो उसकी इमेज बन रही है वो बहुत छोटी बन रही है, तो इसको बोलते हैं हम हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होता है जो बहुत छोटी इमेज बन रही हो, या उसको पॉइंट साइज भी बोलते हैं। ठीक, अब अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो ये हम बात कर चुके हैं, ये रियल बनेगी और साथ में इन्वर्टेड बनेगी। ठीक, तो बात करते हैं अब इसके सेकंड केस की जो है बियॉन्ड सी। तो अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे लेकर आ गए और आगे आने वाले केसेस में भी हम उसको और आगे लेके जाएंगे पोल की तरह, और उसके अकॉर्डिंग ही जो इमेज की साइज होगी वो भी चेंज होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से और आगे की तरफ लेके जाएंगे पोल की तरफ, वैसे वैसे जो इमेज का साइज होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर में बियॉन्ड सी केस की। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो, तो कैसे इमेज बनेगी उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने रे डायग्राम बनाया जिसमें हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। ठीक है, तो यहां से रे ऑफ लाइट पास हो रही होंगी जो मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं एक रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। ठीक, दूसरी रे ऑफ लाइट जो हमें दिख रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे ऑफ लाइट पास करती है वो वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये वापस इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जहां पर भी हमारी ये दोनों रे ऑफ लाइट मीट कर रही होंगी वहां पे हमारी इमेज बन रही होगी, और क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दोनों की दोनों रेज, तो इसलिए ये जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक, तो अब अगर बात करें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट रखा था हमने बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ इमेज जो बनी वो हमारी बनी सी और एफ के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है, तो इसलिए जो साइज ऑफ इमेज हो गया वो हो गया डिमिनिश। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की जिसमें ऑब्जेक्ट जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है। तो ऑब्जेक्ट रखा है हमारा एट सी। ठीक, तो यहाँ पे जो रे डायग्राम हमने बनाया उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो यहां से एक रे ऑफ लाइट पास कर रही है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। सिमिलरली एक रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से पास कर रही है, तो फोकस से जो भी रे ऑफ लाइट पास करती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती, तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है मीट कर रही है कॉमन पॉइंट ए डैश पे, तो इसका मतलब जो इमेज है वो भी वहीं पे बन रही है जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक, तो अब अगर हम ये देखें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था एट सी
और जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो भी है एट सी, और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो सेम साइज बन रहा है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही इमेज का भी साइज बन रहा है। और अगर नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा। तो अब बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होता है, यानी ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो एक रे ऑफ लाइट जो है ए बी से पास करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे ऑफ लाइट जाती है वो वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहां से ये रे ऑफ लाइट गई और वापस इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी रे ऑफ लाइट जो यहां से जाएगी वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास करेगी। अगर अब हम इन दोनों रे ऑफ लाइट को मीट करवाएं तो ये बियॉन्ड सी जाके मीट करेंगे, तो ये यहां जाके इमेज बनेगी। अब हमें दिख रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी साइज बन रही है इमेज की, तो जो इमेज का साइज होगा वो बड़ा बनेगा। तो अगर बात करें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की तो वो बिटवीन सी एंड एफ है। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो ये बियॉन्ड सी बन रहा है जो इमेज बन रही है। तो साइज ऑफ इमेज की बात करें तो साइज जो है ऑब्जेक्ट का छोटा था, इमेज की जो साइज है वो बड़ी बन रही है, तो ये हो गया एनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो अभी भी वो रियल और इन्वर्टेड है। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट केस की जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है। तो यहाँ पे हमने एक रे डायग्राम बनाया जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है ए बी जिसको हमने फोकस पे रखा है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे ऑफ लाइट पास करती है वो वापस वहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये रे ऑफ लाइट वापस इसी में रिफ्लेक्ट हो गई। सिमिलरली ए बी से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्योंकि वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करेगी। अब अगर वो फोकस से पास कर रही है तो हमें दिख रहा है ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यानी ये कहीं भी मीट नहीं करने वाले। इसका मतलब जो इमेज बनेगी हमारी वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, ठीक। तो अब अगर बात करें तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था हमारा एट एफ, तो एफ पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट। तो बात करें पोजीशन ऑफ इमेज की तो वो बनेगी कहीं जाके इन्फिनिटी पे, तो एट इन्फिनिटी हो गया हमारा पोजीशन ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो ये क्योंकि इन्फिनिटी पे बनेगा तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, तो ये हाईली इनलार्ज होगी। और नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो ये अभी रियल और इन्वर्टेड होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट केस की जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रखा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक रे डायग्राम है जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है ए बी जिसको हमने फोकस और पोल के बीच में रखा है, ठीक है। अब यहां से ए बी से एक रे ऑफ लाइट पास कर रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो ये रे ऑफ लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी में, और एक रे ऑफ लाइट यहां से निकल के मिरर को टच कर रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही होगी वही एंगल वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये इंसिडेंट रे का काम कर रही है, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वही एंगल ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बनाएगी, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों रे ऑफ लाइट सामने तो कहीं भी मीट नहीं कर रही है मिरर के, तो अगर इनको हम एक्सटेंड कर दें मिरर के पीछे तो ये पीछे जाके मीट करेंगे, ठीक। तो जो इमेज बन रही होगी वो बिहाइंड द मिरर बन रही होगी। तो अब अगर बात करें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी पी और एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में रखा था हमने ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो वो मिरर के पीछे बन रही है, तो इसलिए पोजीशन ऑफ इमेज हो गई बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो इसलिए हो गई इनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो क्योंकि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है और उसी पोजीशन में बन रही है जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखा था, इसलिए जो नेचर होगा इमेज का वो होगा वर्चुअल और इरेक्ट। तो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले रे डायग्राम्स की। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है तो कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की डायरेक्शन में कर्व्ड होती है, ठीक। तो इसमें जो सबसे पहला केस होता है वो होता है एट इन्फिनिटी, यानी जब ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा हो। तो यहाँ पे हमने एक रे डायग्राम बनाया जिसमें हमने ऑब्जेक्ट लिया है इन्फिनिटी पे, यानी वो मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है। तो यहां से एक रे ऑफ लाइट पास कर रही है ए से जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब अगर इस रे ऑफ लाइट को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये फोकस पे मीट करेगी, क्योंकि हमें पता है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस पे मीट करती है। इसी टाइप से अगर हम बी से एक रे ऑफ लाइट पास करवाएं जो कि पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो ये भी
फोकस पे जाके मीट करेगी। तो इन दोनों रेज का जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट एफ हो गया, ठीक। तो जो इमेज बन रही होगी वो हमारी एफ पॉइंट पे बन रही होगी बिहाइंड द मिरर, ठीक। तो अगर अब हम बात करें तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज देखें तो वो बन रहा है फोकस एफ पे, और अगर साइज ऑफ इमेज देखें तो हाईली डिमिनिश है, या फिर इसको हम पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो बहुत बड़ा था और जो इमेज बन रही होगी वो बिल्कुल छोटी बन रही होगी। ऐसे अगर नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो क्योंकि ये इमेज जो है मिरर के पीछे बन रही है और उसी पोजीशन में बन रही है जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखा था, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे केस की, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा हो सकता है, ठीक। तो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी ऑफ द मिरर रखा हुआ है, ठीक। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी जो इन्फिनिटी से आगे है और पोल से पीछे के डायरेक्शन में है। तो जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है कि एक रे ऑफ लाइट ए पॉइंट से पास कर रही है और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चली गई, ठीक। अगर इस रे ऑफ लाइट को हम पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो ये फोकस से पास होते हुए जाएगी। इसी टाइप से अगर हम ए पॉइंट से दूसरी रे ऑफ लाइट को देखें तो वो पॉइंट सी से पास कर रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने पे कोई भी रे ऑफ लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर अब हम देखें तो ये पिछली वाली और ये वाली रे आपस में मीट कर रही है किसी एक कॉमन पॉइंट पे, तो जिस कॉमन पॉइंट पे ये मीट कर रही होगी वहां पे हमारी इमेज बन रही होगी। तो ये दोनों के दोनों फोकस से पहले जाके मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी इमेज बन रही होगी। अब क्योंकि ये इमेज जो है मिरर के पीछे के डायरेक्शन में बन रही है तो ये उसी पोजीशन में बनेगी जिस पोजीशन में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यानी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो अगर आप बात करें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की तो वो रखा है बिटवीन इन्फिनिटी और पोल, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो वो बन रहा है बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच में बन रहा है बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो वो जो ऑब्जेक्ट था उसका साइज बड़ा था और जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है, तो इसलिए साइज हो गया डिमिनिश। और नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो क्योंकि ये इमेज पीछे बन रही है और उसी पोजीशन में बन रही है जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट था, इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस की। तो जो इसका पहला यूज है वो है यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसको हम टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में और जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती है उनमें यूज करते हैं, ताकि उससे पावरफुल पैरेलल बीम्स निकले जिससे हमें दूर तक देखने में आसानी हो। दूसरा जो इसका यूज है वो है इट इज यूज्ड इन शेविंग मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस, ठीक है। तो इसको जो हम शेविंग मिरर यूज करते हैं घर पे उसमें भी यूज किया जाता है, ताकि जो हमारी इमेज दिखे फेस की वो बड़ी इमेज दिखे, ताकि शेविंग करने में हमें आसानी हो। अगला जो यूज है इसका वो है इट इज यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट्स टीथ। कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं पेशेंट के टीथ को देखने के लिए, ताकि उन्हें उसकी इमेज ज्यादा बड़ी दिखे और जो भी दिक्कत हो उन टीथ में वो उन्हें आसानी से पता लग सके। तो बात करते हैं अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको हम व्हीकल्स में यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के तौर पे, ताकि जो व्हीकल्स के पीछे के ऑब्जेक्ट्स की इमेज है वो आसानी से उस मिरर में दिखे, और वो जो इमेज दिखती है वो छोटी दिखती है और उसी पोजीशन में दिखती है जिस पोजीशन में पीछे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और साथ में जो उसका व्यू पॉइंट होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी उस छोटे से मिरर में हम पीछे का बहुत बड़ा व्यू पॉइंट देख सकते हैं आसानी से। तो हम कह सकते हैं इट इज कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड फॉर्म्स एरिक दो डिमिनिश्ड इमेज। तो आई होप आज हमने जितने भी रे डायग्राम्स डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।